रिपोर्ट हापुड़ से, जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेश तोमर को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धर्मेश तोमर के साथ हमारे रिपोर्टर की ये खास बातचीत। आज हम जानेंगे हापुड़ जनपद की धौलाना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक व सपा प्रत्याशी धर्मेश तोमर जी के बारे में। हमारे साथ में मौजूद है विधायक धर्मेश तोमर। विधायक जी, यदि क्षेत्र की जनता आपको फिर से एक बार मौका देती है तो क्षेत्र के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मुझे मौका मिला, मैंने 5 साल काम किया, जनता मेरे कामों से बहुत संतुष्ट है और वही काम पुनः बहुत ज्यादा गति से चले। और जहां जहां कोई काम रह गया है, बिजली में हमने इतने काम किए कि आने वाले 20 साल के लिए पर्याप्त होंगे। हमने पिलखवा की सड़कें, पुल, बिजली घर और इतनी बड़ी बिजली की DPR हमारी अब भी सेंक्शन है जो आने वाले समय में शुरू होगी, कि हमने 1-5 साल की बात नहीं की है, हमने 20 साल के अगले विकास को सोच के बात की है और विकास बहुत तेजी से चले, उसे हम कर देंगे अगले 5 साल। विधायक जी, चुनावी मैदान में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनका ये क्या आपके ऊपर वो है वार कि उनका कहना है कि जो आपकी विधायक निधि थी वो आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए और जो क्षेत्र में विकास की दरकार है वो नजर आती है? झूठ कह रहे हैं, विधायक निधि तो मुझे 10-20 विधायकों की और भी मिल जाए, पहले महीने में इस्तेमाल कर दूं, इतना झूठा आरोप है। अगर क्षेत्र की जनता जो आपको कितना समर्थन मिल रहा है और आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है क्षेत्र की जनता जिस अपने हौसले के साथ हमारा समर्थन कर रही है, हम उत्तर प्रदेश में जीतने वाली टॉप विधानसभाओं में से एक होंगे। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता, पर जो जनता का रुझान है, जो जनता 5 साल किए कामों का एक अवार्ड दे रही है, एक सम्मान दे रही है 5 साल के कामों को, उसे देख के लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत अच्छी वोटों से ये धौलाना विधानसभा समाजवादी पार्टी खाते में जा रही है। पिताजी, मेरा लास्ट सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ कमी रह गई होंगी, उनको लेकर के आप किस तरीके से आगे क्षेत्र में विकास की? कमी तो मेरा मानना दुनिया के हर आदमी में है, यदि कमी ना हो तो भगवान हो जाता, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बढ़ जाता आदमी। और जो कमी होंगी हमें भी दूर करनी चाहिए और आदमी को कमी से सीख भी लेनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें जो कमी लगेगी और जो भी है उसे दूर कर देंगे, जनता को आगे कहने का कोई मौका नहीं देंगे। इंडिया वॉइस के अपने बिजी शेड्यूल में से इंडिया वॉइस के लिए समय निकालने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चुनाव के लिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ विधायक धर्मेश तोमर जी, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हापुड़ से इंडिया वॉइस के लिए शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरों का सफर जारी है, आप देखते